One, two, three, come on. तो देखो रात के 12 बजने वाले हैं और छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम। लक्ष्य सो गया है। वैसे ही सेलिब्रेशन मैं आपको बता दूं डेली होता है हमारा, लेकिन आज हम लक्ष्य को थोड़ा जल्दी सो गया ना, वो परेशान हो गया था, तो अब उसको जगा के सरप्राइज देंगे। तो ये पॉपकॉर्न है और ये कोल्ड ड्रिंक और ये मैडम ने मेहंदी रचा ली है कल के लिए, तैयारी कर रही है कल के लिए। मेरा मन हुआ था कि इस बहाने ऐसे कोई होता है तो मैं कर लेती हूँ, ऐसे कुछ वैसे देरी तो नहीं हो पाता तो मैं एनर्जी खराब हो गई। तो अभी इस बारे हाथ में मैं करूंगी ये सब, मतलब सो गया है तो आज जल्दी सो गया था, तो बस मैं इतना है केक वगैरह तो कल ही खाएंगे, तो ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो कल ही होगा, पर अभी हल्का सा सेलिब्रेशन क्योंकि रात के 12 बज गए हैं तो उससे उसका बर्थडे एक्चुअली शुरू हो चुका है डेट के हिसाब से देखा जाए। तो ये कोल्ड ड्रिंक एक हाथ से डिजाइन बताना कैसा लग रहा है आपको। ये एक हाथ से कोल्ड ड्रिंक भर रही है जो की इनसे भरा नहीं जा रहा है, टैलेंट है क्योंकि ये आप देख सकते हो ये आधा आधा भरा हुआ है और निकल जाएगी फिर क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से छूट ना जाए वो। तो चलो पहले हम लक्ष्य को उठा देते हैं, उसके बाद उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, फिर उसके बाद ये सब एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है, ऑन कैमरा चलो आओ दिखा, ऑन कैमरा बोलेंगे, ऑन कैमरा उसका रिएक्शन देखते हैं। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, लक्ष्य सो रहा है और 12 बज चुके हैं। लक्ष्य हैप्पी बर्थडे, 12 बज गए, बैठ जाओ। हैप्पी बर्थडे बोल रहा है नीरो। हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे नहीं है हैं सॉरी आवाज ही नहीं निकल रही है, सॉरी बोल रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न की पार्टी है लक्ष्य तुम्हारे बर्थडे में, सिर्फ कल है वो भी कल है, वो भी कल होगी। हाँ। अब और कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ मतलब आज होगी दिन में, मतलब दिन में होगी तो, और जो भी है वो बस सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है और पॉपकॉर्न है, ठीक है। तो अभी नींद में ना इसलिए, अच्छा तो अभी छोटी सी पार्टी कर रहे हैं हम इसके लिए, अभी ये नींद में है इसलिए ऐसे कर रहा है। और हैप्पी बर्थडे लक्ष्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कल की तैयारियां हैं, टेंशन में आ गया ये, इसको जब हमने बोला कि कल सिर्फ तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न से बर्थडे मनेगा, पूरा बर्थडे मनेगा, अभी सिर्फ पॉप अभी अभी के लिए सिर्फ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हैं, तो उसको एंजॉय करो और मौज करो, ठीक है। थैंक यू बोल रहा है, चलो हैप्पी बर्थडे, आशीर्वाद दीजिए, विस कीजिए मेरे बेटे को, चलो हैप्पी बर्थडे लक्ष्य। अच्छा चलो हैप्पी बर्थडे लक्ष्य, ये बोल दे ना, साल में एक बार आता है तो आदत नहीं है मेरे, बोल दे सेम टू ही बोल दे, चलो हैप्पी बर्थडे, उसने बोल भी दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, बोलो थैंक यू। चलो तो अभी हम थोड़ा बहुत खाते पीते हैं उसको, और इसके फोनों का सिलसिला चालू हो गया है, तो अभी तो फोन आया तो मैंने कट कर, मामा कहाँ है, तो इसके यहाँ फ़ोनों की बरसात हो गई है, तो मेरी भाई की बेटी का फ़ोन आया फर्स्ट में, उसके बाद मेरे भैया बात कर रहे हैं, इससे सारे लोग बात कर रहे हैं और बेचारे ये रखे हुए हैं और ये बात कर रहा है, बड़ा खुश है। मेरी भाभी बोल रही है लक्ष्य को हैप्पी बर्थडे, सोए नहीं है अभी, मतलब वो लोग सोए नहीं है, वो बस मामा ही और मामा नींद खराब कर दी सबकी भावना ने। तो फोन पे फोन आ रहे हैं, तो अभी मेरे देवर जी का फोन आ गया है, मौसी सास के बेटे का। हेलो चन्नू चाचा, थैंक्स। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो बोला था कि आ जाओ भैया, बट आप आए ही नहीं। क्या बोल रहे हो,
हाँ मुझे पता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और आज है लक्ष्य का बर्थडे, जैसे कि आपको पता है। तो बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में, सारा काम मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ से ले रहे हैं अनिल मिठाइयाँ, उसके बाद निकल जाएंगे हम मंदिर। मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो दर्शन करने के लिए। आ गए हैं हम मंदिर, अनिल ले रहे हैं फूल और आज बहुत भीड़ है क्योंकि आया है सोमवार। आप देख सकते हो आज मंडे है तो सावन का सोमवार भी है, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है आज मंदिर में। और ये लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो वैसे तो आप ये मंदिर देख चुके हो पर आज फिर देख लीजिएगा, ये हाथ दूर है आप देख। इधर से ऐसा दिखता है ये मंदिर, अभी ये नया फर्श डला है इसलिए। मंदिर में ना बहुत सारे मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे बहुत टाइम से। अगर आप वीडियो वॉच करते हो तो मैंने बहुत बार वीडियो में दिखाया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है और ये राधा रानी का मंदिर है और कितने प्यारे लग रहे हैं ना बहुत ज्यादा। तो अनिल ना अंदर जाके प्रसाद चढ़ा रहे थे, बेशक तो सारे लोग बाहर से चढ़ा रहे थे लेकिन अनिल मंगलवार और शनिवार को जाते रहते हैं तो वो गेट खोल के अंदर से ही चले गए थे। बोल रहे थे कि अंदर से ही मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे लगा रहे हैं अनिल धूप बत्ती, है ना, दिया जला रहे हैं भगवान जी के लिए। मैं दिया जला रहा हूँ और ये अपने दर्शन करा रही हैं आप लोगों को। नहीं नहीं, और यहाँ पे लक्ष्य कर रहा है पूजा, क्योंकि लक्ष्य यहाँ बोल रहा था कि पापा मेरा बर्थडे है, लड्डू भी आपने चढ़ा दिए और पूजा भी आपने जला दी, पूजा भी आपने कर दिया, मैं कब करूंगा। तो मैंने उसको करवाया, मैंने कहा और ये पंडित जी से आशीर्वाद ले रहा है पंडित जी से। पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप क्या कर, कितनी क्लास में पढ़ते हो, कितने साल के हो गए हो। तो उसने बोला लक्ष्य, तो पंडित जी बोल रहे थे आपका क्या लक्ष्य है, नहीं क्या लक्ष्य है, पंडित जी ने ये बोला था। और यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं मुझे प्रसाद। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर पे और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। आज मंडे था ना तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, तो अभी चलते हैं घर। और मेरी मेहंदी का कलर आया है ऐसा आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। इस बार मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश करी है और लक्ष्य भी आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। हाय लक्ष्य, सब लोगों से हेलो बोल दो। पूजा कर ली, कैसा लग रहा है? ये ऐसा मुंह उतरा हुआ लग रहा है इसका, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। इसको जब भी कुछ होता है तो ऐसे ही नौटंकी करता है बस, इसलिए हमारा दिमाग हो जाता है खराब। तो चलिए अब चलते हैं घर, हमारे घर के पास में ही है ये मंदिर, काफी अच्छा मंदिर है। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी आप लोग के साथ, शेयर कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। तो घर में आ गई हूँ, घर आके मैंने सारा सामान रख दिया है और गैस पे रख दी है, खीर बनाने के लिए दूध रख दिया है गैस पे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी घर पे। पहले अनिल ने बोला कि मंदिर पे भीड़ भी ज्यादा रहेगी और वहाँ पे अपन प्रसाद चढ़ाएंगे तो खीर वैसे भी मतलब वो होता है ना फैल जाती है, वो हो जाता है, तो इसलिए अब मंदिर पे प्रसाद चढ़ा देंगे
और घर पे खीर का प्रसाद लगा देंगे, भोग लगा देंगे। तो बना रही हूँ मैं यहाँ पर खीर, आप लोग देख सकते हो। और अनिल अंकल के यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और लक्ष्य आते ही क्लास में लग गया, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को उसकी क्लास, जैसे कि आपको पता है। अनिल भी ऑफिस में लग जाएंगे, मैं अकेली लगी रहूंगी काम में। डेकोरेशन वाले आएंगे तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि डेकोरेशन करना पड़ेगा। चलो तो फिर बना लेते हैं, क्या करें। और घर पे होते ना, गांव में होते तो कथा होती है सत्यनारायण की, लेकिन यहाँ पे तो हम मंदिर पे ही चले गए थे और देखो कथा वथा तो कैसे होती ना इसलिए। और हाँ, मैं मायके गई थी ना मम्मी के यहाँ, तब मैं चमचा लेके आई थी, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला, ये वाला। तो आज मैं इसी से खीर बनाऊंगी। ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि शाम में खाना बनेगा बहुत ज्यादा, दोपहर में बनेगा ही कुछ खाने के लिए, तो बहुत ज्यादा खीर नहीं बनाऊंगी। कोई ज्यादा खाता नहीं है खीर, है ना। और जो लोग भी आएंगे वो शाम को आएंगे, अभी तो आएंगे नहीं। देखो दोपहर में इनके एक फ्रेंड आ सकते हैं, तो वो ही आ सकते हैं भैया दोपहर में, और तो सब शाम में आएंगे। ये मेहंदी का डिजाइन मैंने इस टाइप से बनाया हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। नेल पेंट मैंने रात में ही निकाल दी थी, तो अभी नेल पेंट लगाऊंगी फ्री होके, ये भोग भोग लगा के, और फिर लगाऊंगी नेल पेंट और साड़ी में निकाल दूंगी। शाम तक तो नहीं वियर करूंगी, निकाल दूंगी। और डिपेंड करेगा यार कि मेरे दिमाग के ऊपर कि मैं पहने रहूं या नहीं। और अनिल भी आ चुके हैं। और हाँ, टीवी वाले भैया का कल से वेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो रिलायंस डिजिटल वालों ने तो टीवी घर पे भिजवा दी, कल बारिश में ही भिजवा दी थी। वो दो लोग बंदे आए थे और गाड़ी से, और वो रख गए थे, डिलीवरी कर दी उन्होंने। लेकिन जो लगाने वाला बंदा है ना, जो लगाएगा, वो कल से मतलब बोल रहा कि सर मैं कल आऊंगा कल आऊंगा। तो रात में इतना दिमाग खराब हो गया, फाइनली उनका फोन आ गया है कि सर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी आ जाएं वो, तो कम से कम जल्दी आ जाएंगे तो टीवी लग जाएगी और हम लोग चेक भी कर लेंगे। देखो वहाँ पे तो चेक करके लेके आए, लेकिन घर पे भी तो चेक करना जरूरी है ना। तो अभी टीवी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा लुक भी आएगा ना, वो खाली खाली लग रहा है स्पेस। तो अभी तो बहुत बड़ी टीवी मंगा ली है भाई, वो डर इस बात का नहीं है कि बड़ी क्यों मंगाई, डर इस बात का है कि अगर लच ने गलती से भी कुछ दे दिया, लच छोड़ो हमसे भी गलती से कुछ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लक्ष्य के पास फोन पर फोन आ रहे हैं, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। माई को भी तो बोल दे, माई को भी माई आपको आना है, माई को आना है, माई आप आओगे। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद ये भैया आ गए हैं टीवी लगाने के लिए, तो इस वाली वॉल पे लगाएंगे। तो ये दोनों भैया आ गए हैं, सोनी वाले, रिलायंस वाले, और कल एक भी नहीं आए थे ना, बात कल की थी, कल हम वेट करते करते रह गए। ये भी निकालना पड़ेगा साइड को। हाँ अभी टीवी वाले भैया आए हैं और अभी मैं खीर बना रही थी, तो बार बार इधर आना उधर जाना, इधर आना उधर जाना, और सुबह से विश करने के लिए लक्ष्य के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं, तो बस वो उसमें बिजी हो रहा है और ऊपर से उसके क्लासेस चल रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे, अभी खीर मेरी बन चुकी है, तो अभी मैंने उसमें इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, उसके बाद लगा दूंगी मैं भोग। अगर ये टीवी वाला काम कल हो जाता ना तो इतनी टेंशन नहीं होती, इतना प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि आज फालतू का ये होता नहीं। तो सोनी वाले भैया भी आ गए हैं, रिलायंस से भी आ गए हैं, वो दो दो आ गए हैं एक साथ, और कल एक भी नहीं आ रहा था, तो बस वो चेक कर रहे हैं अनिल सारी चीजें। फाइनली लग गई, तो टीवी वाले भैया चले गए हैं अपना सारा काम करके, टीवी को लगा के, और अभी मेरी खीर भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं लगा देती हूँ भोग, क्योंकि भाई भोग लगाना तो जरूरी है। तो वैसे तो सुबह पूजा हो गई, और पूजा में तो जो हमारे डेली का भोग लगता है वही लगाया था, और अभी मैं लगा रही हूँ खीर का भोग माता रानी को, भगवान जी को, देख सकते हो। ये छोटा वाला मंदिर है मेरा, लेकिन अच्छा है। तो अभी ना ये बहुत पुराना हो गया, तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी, अनिल के पास टाइम होगा ना, तो अभी हमें थोड़े बड़े मंदिर की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो कोई इधर से निकल रहा है इसलिए।
क्योंकि बोलते हैं ना मूर्ति और मंदिर थोड़ा बहुत भी खराब हो तो चेंज कर देना चाहिए, तो इस वजह से तो अब तक तो सही था, पुराना पुराने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सही होना चाहिए, बट अभी ये निकल रहा है तो मैंने बोला कि भगवान जी के लिए मंदिर तो लाना चाहिए। जब बोलते हैं ना जब अपन घर अच्छा चाहते हैं तो भगवान जी का भी तो घर अच्छा होना चाहिए ना। तो चलिए बस मैं पूजा कर देती हूँ थोड़ी सी और भोग लगा देती हूँ। लक्ष्य के अम्मा वाला का फोन आया है उसको विश करने के लिए। और कैसे हो? तो आप लोग देख सकते हो आज हमारे ब्रेकफास्ट में यही है, ये है खीर प्रसाद वाली और जो भगवान का भोग लगाया था, और ये मैंने बनाए हुए चिप्स के, खीर के साथ मुझे चिप्स काफी अच्छे लगते हैं तो मैं अनिल को दे देती हूँ, मैं खा लेती हूँ। लक्ष्य के क्लास चल रहे हैं वो भी खा लेता है, उसने ऑलरेडी दूध पी लिया था बट हम लोगों ने आज कुछ नहीं खाया था, तो चलिए मैं खा लेती हूँ उसके बाद करेंगे लंच की तैयारियाँ। तो दोस्तों बहुत ज्यादा थक गए हैं, काम ज्यादा कुछ किया नहीं है फिर भी थक गए हैं, खड़े खड़े रहे हैं चलते रहे हैं इसलिए, क्योंकि फिर टीवी वाले भैया आ गए थे, ये सारा काम हो गया और इनको देख लो, हाय इन्होंने टी शर्ट भी निकाल दी, हमें साड़ी में भी गर्मी नहीं लग रही, इनको टी शर्ट में लग रही थी, तो अब इनको तो गर्मी लगेगी ना, अब इनको पता नहीं कितने काम करने होते हैं, किचन में भी काम करना होता है, झाड़ू भी लगाना होता है, सामान भी सही करना होता है, पहली बार डांस करना होता है, फिर थोड़ा इधर उधर मटकना होता है, तो पसीने तो आएंगे, तो डांस नहीं करेंगे तो एनर्जी कैसे आएगी, डांस नहीं करेंगे तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी भी तो जरूरी है ना, डांस एनर्जी है और क्या भाई, तुम खाना मत खाना डांस ही करते, मैं ध्यान नहीं है, मैंने अपने देवर की शादी में इतना काम किया था सारे दिन और रात में बिल्कुल नहीं सोई थी, लगन वाले दिन ही वो था मंडप, तो मैंने अपनी देवर की शादी में इतना काम किया था हद से ज्यादा, और फिर मैंने सारी रात किया था डांस, सब लोग ये बोल रहे थे भाई मैंने जब तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वो बोलते ना घर की लेडीज बाद में खाती हैं, तो बिल्कुल बाद में खाने के लिए रुक गए थे, फिर हमें पता चला कि डांस के लिए डीजे वंदना हो जाए तो जल्दी से चले जाओ, डांस किया हम लोगों ने सारी रात, हमने डांस किया ना जानो सुबह के समय, यानी कि एक घंटे के लिए सोए थे बस, तो करती है मैं भी नचा देती है अपने समय जो कि मुझे तो, अरे कमेंट आते हैं यार, चलो अब तो वीडियो में कमेंट आते, पहले तो अपने हस्बैंड के साथ नाचो, भैया के साथ क्यों नहीं नाच रही हो, अनिल के साथ नाचो, अरे तुम्हारी बहने वगैरह सब बोलती हैं, बुआ वगैरह कि दो आदमी बेबेटी नाचो, तो फिर अब आदमी को लेके ही नाचना पड़ेगा ना, तुमने बोला दो आदमी बेबेटी नाचो, हमने ये दोनों बोला है ना, पति पत्नी को संग में चलना चाहिए, कुछ और सामान लाना है तो मैं इनसे बोल रहा हूँ कि मुझे लिस्ट बता दो क्या क्या लाना है, तो मैं ले आऊँ एक बार में, फिर मैं थोड़ा आराम करूंगा। हाँ यार जान थक गए, अरे अरे बहुत थक गए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत थक चुकी हो, बहुत थक, ऐसे मत करा करो कभी कभी ना, मुझे फिर वो वाली फीलिंग आ जाती है, बेबी वाली, मैं कितना गरीब हूँ, मैं ऐसे तुम मेरे करो मैं, मुझे तो अच्छा लगेगा, तुम तो गरीब हो, शर्म नहीं ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती करी है ना, जो इनको हर बात बेइज्जती लगती है मेरे को समझ ये नहीं, सब लोगों को पता है कि तुमने मेरी बेइज्जती करी है, जरूर बताना, उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको अच्छा लग रहा है बस, बेइज्जती हो चाहे अच्छा हो कुछ भी हो, पर मैं बेइज्जती करूंगा, अरे बेइज्जती करी ही नहीं है मैंने, तुमने कैसे बोल दिया, बेइज्जती उसको बोल रहे उसको बोल दे बेइज्जती, एक बात बोलूं गरीब मत बोलना, गरीब मत बोलना, उस दिन गरीब बोलना, मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड दे दो तब गरीब बोलना, अरबों तो नहीं है बट थोड़े बहुत तो है मेरे, बस ये 10-5 हज़ार में कुछ हो जाए, 5 हज़ार यार ये समझ नहीं आता, रुपयों से इतना प्यार क्यों होता है यार, पैसों से इतना प्यार क्यों होता है जानू, तुम चाहो तो नहीं करूं, मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं करूँ बट फिर भी करती हूँ, पैसा देखते सी मेरा मन बदल जाता है, फिर मैं मोबाइल पे हाथ रख देती हूँ, कहीं टीवी पे हाथ रख देती हूँ, तो ये सब होता रहता है, दोस्तों मेरी और बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी इससे पहले ही, हम मैं आपसे मिलती हूँ कुछ समय बाद, मैं लिस्ट बनवा लूँ इनसे सामान ले आऊँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत शांति मिलेगी, घंटे दो घंटे, ठीक है दोस्तों ठीक है, चलो बाय 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 बाय, बाय के लिए आएंगे फिर दोबारा से, हम बाय करेंगे तभी तो हाय करेंगे, ठीक है दोस्तों कुछ समय के लिए बाय, फिर मिलते हैं, करेंगे हाँ।